Swayam Prabha, Digital India, Educated India. प्रिय विद्यार्थियों मैं डॉक्टर मनीषा गोस्वामी सहायक प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जी एल यूनिवर्सिटी मथुरा आपका कोशीर्षक विपणन प्रबंधन के व्याख्यान संख्या 19 डायरेक्ट मार्केटिंग में स्वागत करती हूँ आज के अध्याय में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे इस पर हम नज़र डालते हैं आज के अध्याय में हम डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है ये जानेंगे डेटा मार्केटिंग क्या है डायरेक्ट मार्केटिंग अभियान का प्रबंधन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे चलिए शुरुआत करते हैं आज के अध्याय की और समझते हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है डायरेक्ट मार्केटिंग असल में इस तरीके की मार्केटिंग है जहाँ पर हम किसी बिचौलिए को बीच में नहीं लाते कोई मध्यस्थता नहीं होती बीच में हम खुद से अपने उपभोक्ताओं के साथ वार्तालाप करते हैं उनसे बात करते हैं उनके साथ डील करते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है अर्थ में डायरेक्ट मार्केटिंग किसी मध्यस्थ के उपयोग के बिना ग्राहक के संपर्क में कर संपर्क करके उन्हें प्राप्त करने और उन्हें बनाए रखने का एक प्रयास है उद्देश्य एक सीधी प्रतिक्रिया प्राप्त करना है जो निम्नलिखित में से कोई भी एक रूप में ले सकती है जैसे कि हम टेलीफोन या डाक के द्वारा खरीदारी को बढ़ाएं हम कई बार क्या करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो उपभोक्ता है हमसे संपर्क स्थापित करें हम इस तरीके का अपना प्रचार प्रसार करते हैं उसे हम बातचीत करते हैं या डायरेक्ट मेल करते हैं या टेली मार्केटिंग करते हैं जिससे कि हमारा उपभोक्ता हमारी ओर आकर्षित हो तो और वो हमसे वापस वार्तालाप करने की कोशिश करें हमसे और जानकारी लेने की कोशिश करे तो हो सकता है डायरेक्ट मार्केटिंग का कोई जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं अपने उपभोक्ता के के साथ में में तो रिजल्ट फॉर्म वो इस तरीके से हमारे सामने आए टेलीफोन या डाक के द्वारा खरीदारी का एक पेशकश हमारे सामने आ सकती है कैटलॉग या बिक्री साहित्य के लिए अनुरोध किया जा सकता है हमारे उपभोक्ता के द्वारा हो सकता है वो हमसे मांग करे कि अपना कैटलॉग कैटलॉग हमसे शेयर करिए हो सकता है वो हमसे पूछे कि आपके सेलिंग के या बिक्री के क्या टर्म्स कंडीशन है उसके बारे में वो हमसे जानकारी लेना चाहे किसी स्थान कार्यक्रम में जाने के लिए एक समझौता या फिर उदाहरण के लिए एक प्रदर्शनी हाँ एग्जीबिशन जैसी चीज़ों के बारे में भी हम उससे वो हमसे बोल सकता है किसी प्रकार की कार्रवाई की भागीदारी जैसे किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के बारे में वो हमसे बात कर सकता है किसी उत्पाद के प्रदर्शन के लिए अनुरोध कर सकता है एक विक्रेता की यात्रा के लिए अनुरोध कर सकता है वो हो सकता है वो आपसे जानने की कोशिश करे कि कौन आपके सप्लायर हैं कौन आपका सेलर है कौन आपका रिटेलर है कहाँ से हम ये सामान खरीद सकते हैं वो आपसे तरीके की जानकारी निकालने की कोशिश करे ये अगर इस तरीके का उपभोक्ता आपसे कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपने डायरेक्ट मार्केटिंग के द्वारा अपनी एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करी थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है स्थापित हो रही है उपभोक्ताओं को उसका समझ में आ रहा है डायरेक्ट मार्केटिंग एक तरह की इंटरैक्टिव संचार है इंटरैक्टिव संचार यानी आप आपस में बातचीत करते हैं आप अपने उपभोक्ता से बात करते हैं वापस से उपभोक्ता का रिस्पांस आपके पास आता है तो इस तरीके से वार्तालाप हो रहा है इंटरैक्टिव संचार के माध्यम से उपभोक्ता को लक्षित करने के लिए उत्पादों सूचनाओं और प्रचार का लाभ का वितरण करना है जो प्रतिक्रिया को मापने की अनुमति देता है इसमें आप बहुत सारे ऐसे विस्तृत श्रृंखलाएँ हैं जो शामिल हैं जिन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे इन पर हम चर्चा करेंगे इससे हमें पता चलता है कि डायरेक्ट मार्केटिंग से आप कोई पता चल पाता है कि आपका जो उपभोक्ता है वो कितना आपको समझ पा रहा है आप इसका मापदंड भी तय कर सकते हैं आप इसका एनालिसिस यानी कि विश्लेषण भी कर सकते हैं कि हमारी डायरेक्ट मार्केटिंग सही जा रही है या नहीं जा रही है डायरेक्ट मार्केटिंग की जो जो विस्तृत श्रृंखला है उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं जैसे कि एक डायरेक्ट मेल आप डायरेक्ट अपने कंज्यूमर को मेल कर सकते हैं आज के आधुनिककरण में बहुत आसान हो गया है पहले तो हर एक का नाम आपको लिखना पड़ता है एड्रेस लिखना पड़ता था फिर डाक पे जाकर उसे पोस्ट करना पड़ता था स्टैम्प लगाने पड़ते थे अब वो सारी चीजें खत्म हो गई है आपको सिर्फ ई एड्रेस टाइप करना है और आप एक क्लिक में बहुत सारे अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं और दूसरे कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा कि ये कितने लोगों को भेजा गया है ब्लैंक कार्ड कॉपी के द्वारा आप एक साथ बहुत सारे लोगों को अपने जो उपभोक्ता है उनके आप मेल भेज सकते हैं तो डायरेक्ट मेल के थ्रू भी आप अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं टेली मार्केटिंग फोन के जरिए आपको कुछ अच्छे कर्मचारी अपने यहाँ नियुक्त करने होंगे जो कि आ, उस भाषा में बोलते हों जिस भाषा में आपके उपभोक्ता को आ, समझ में आता हो जैसे हिंदी भाषा में तो हिंदी के आपके कर्मचारी हों अंग्रेज़ी में तो अंग्रेज़ी के कर्मचारी हों मलयालम तो मलयालम के कर्मचारी हों इस हिसाब से आपको भाषा के हिसाब से समझदार कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा और अगर इस तरीके कर्मचारी आपके पास हैं तो टेली मार्केटिंग के द्वारा भी आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं इसमें दो तरीके की कॉल आती हैं एक होती है इन और एक आउटबाउंड इनबाउंड कॉल वो होती है जो कॉल आपके पास आती है उपभोक्ता के द्वारा उपभोक्ता आपसे जानकारी लेना चाहता है आपसे जानना चाहता है हो सकता है उसकी कोई कंप्लेन हो कोई समस्या हो उसके बारे में वो कुछ सुझाव आप चाहता हो या तरीका जानना चाहता हो कि कैसे वो इस परेशानी से दूर होना चाहे तो आपको दो यूनिट बनानी होगी अपनी टेली मार्केटिंग की एक यूनिट वो होगी जिसमें कर्मचारी इनबाउंड कॉल्स पे काम कर रहे होंगे दूसरी यूनिट वो होगी जिस पर कर्मचारी आपके आउटबाउंड कॉल्स पे काम कर रहे होंगे आउटबाउंड कॉल्स का अर्थ है जब आप, आपके जो कर्मचारी हैं वो खुद से कॉल करते हैं आपके उपभोक्ताओं को उससे क्या होता है उससे हम डायरेक्ट मार्केटिंग अपने उपभोक्ताओं के मन में इच्छा को पैदा करते हैं अपने उत्पाद को लेकर के और जब वो इच्छा पैदा हो जाती है तब इनबाउंड कॉल शुरू होती है तीसरा आता है प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया विज्ञापन यानी कि कूपन प्रतिक्रिया या फिर अभी फोन की प्रतिक्रिया का विज्ञापन यानी कि आप कुछ ना कुछ ऐसा फ्री दें या कूपन दें डिस्काउंट दें फ्री बीज दें तो उसे लोग आपकी और, और आकर्षित होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि इंटरनेट इंटरक्टिव केबल टीवी इन सबके द्वारा भी आप अपनी इमेज को क्रिएट कर सकते हैं अपने अपने उपभोक्ता के साथ डायरेक्ट एक संपर्क को स्थापित कर सकते हैं और अपनी एक मार्केट प्रेजेंस को क्रिएट कर सकते हैं कैटलॉग मार्केट मार्केटिंग भी एक बहुत कॉमन और बहुत अच्छा प्रचलन है जिसमें आप अपना एक कैटलॉग तैयार करते हैं और अपने जब आप उपभोक्ताओं को मेल कर रहे हैं तो उसके साथ में कैटलॉग भी अटैच कर देते हैं जिससे कि पूरा का पूरा डिटेल आपके कस्टमर के पास में उपभोक्ता के पास में पहुँच जाता है तो फिर उसे वापस कॉल करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती और जानकारी लेने के लिए कई बार कंपनियां जानबूझ के अपने कैटलॉग को अपने उपभोक्ता के साथ शेयर नहीं करती हैं क्यों नहीं करती हैं क्योंकि वो उनके मन में खलबली पैदा करना चाहती हैं वो देखना चाहती हैं कि मेरा उपभोक्ता मेरी तरफ लौट कर आता है या नहीं आता है क्या वो मुझसे वापस सवाल पूछता है या नहीं वो जानबूझ के अधूरी चीज़ें छोड़ देता है अधूरी खबर देता है जिससे कि उपभोक्ता के मन में सवाल उठे और अगर उपभोक्ता के मन में सवाल उठ रहे हैं तो ये आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए बहुत पॉजिटिव है आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग यानी कि सही दिशा में बढ़े रही है अगर आपके उपभोक्ता के दिमाग में समा सवाल उठ रहे हैं वो आपसे जानना चाहता है कि इस प्रोडक्ट का क्या यूज़ है इस प्रोडक्ट को किस तरीके से खरीदा जा सकता है इसकी क्या वारंटी है गारंटी है या इसकी आफ्टर सेल सर्विस क्या है ऐसी कुछ संबंधित सवाल अगर उपभोक्ता के दिमाग में उठ रहे हैं तो इसका मतलब आपने जो डायरेक्ट मार्केटिंग में एफर्ट्स लगाए हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं कैटलॉग मार्केटिंग जिसमें हम पूरी डिटेल अपने उपभोक्ता के साथ शेयर करते हैं तो कई दफ़ा कंपनी पहले इंट्रैक्शन में अपनी पूरी डिटेल नहीं देती है वो दबा के रखती है छुपा के रखती है जब दूसरी बार उपभोक्ता का कॉल आता है या उपभोक्ता की तरफ से सवाल आते हैं तब वो उसको कैटलॉग प्रोवाइड करती है अगर तब भी आप नहीं करते हैं तो कंपनी को आ, तब उपभोक्ता को आपके ऊपर शक हो जाएगा आपको ये समझ के चलना होगा कि कब मुझे उसके साथ डिटेल शेयर करनी है और कब मुझे उसके साथ डिटेल शेयर नहीं करनी है पहले इंट्रैक्शन में आप अपनी सारी डिटेल को छुपा भी सकते हैं मगर जब उपभोक्ता खुद से आपसे पूछे और तब भी आप ना बताएं तो उपभोक्ता आपके बारे में एक निगेटिव इमेज भी लेकर जा सकता है सो तो इसलिए आपको बहुत सतर्क होना पड़ेगा एक तरीके से ये ये तलवार की धार पर चलने जैसा होगा क्योंकि आप उपभोक्ता से

बढ़ते हैं सवेरे उसमें वो वितरण करवाए जाते हैं कई बार खुद से जो सेल्स एजेंट होते हैं आपके या फिर सेल्स फोर्स जो होती है वो घर घर में जाकर उनका वितरण करती है और वितरण करने के साथ साथ वो लोगों को अपने मुँह से भी बताती भी उनसे बातचीत भी करती है ताकि लोगों के वो वो वितरण के जो पत्र हैं उससे ज़्यादा समझ में आ पाए पाठ संदेश भेजना और साथ के साथ ये भी हो सकता है कि आप एक लेटर के थ्रू या फिर एक ईमेल के थ्रू उनके पास और एक डिटेल इंफॉर्मेशन को भेजें इसके साथ ही डायरेक्ट मार्केटिंग काफ़ी महंगा बैठता है डायरेक्ट मार्केटिंग आसान नहीं है मगर डायरेक्ट मार्केटिंग के द्वारा अगर आप अपना उपभोक्ता के साथ में अच्छे संबंध स्थापित कर पाते हैं तो ये जो जितना भी पैसा आपका इसमें खर्च हुआ है डायरेक्ट मेल करने में या सेल्स फोर्स को हायर करने में उनको डोर टू डोर भेजने में या फिर अपनी आउटबाउंड टीम और इनबाउंड टीम बनाने में जो आपका खर्चा हो रहा है हर महीने जो आपकी तनख्वाह जा रही है वो सब आप कवर कर सकते हैं अगर आपने डायरेक्ट मार्केट मार्केटिंग को ढंग से एस्टेब्लिश कर दिया है तो स्मिथ के हिसाब से डायरेक्ट मार्केटिंग गतिविधि में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले कारकों के रूपरेखा को तैयार किया उन्होंने कुछ ऐसी डायरेक्ट मार्केटिंग की रूपरेखा बनाई उन्होंने इस तरीके के कारक पता लगाए जो कि इस इस गतिविधि को और भी अच्छा रूप दे सकते हैं जैसे कि मार्केट फ्रेगमेंटेशन यानी कि बाजार का विखंडन मार्केट फ्रेगमेंटेशन होने के कारण अब डायरेक्ट मार्केटिंग हमारे लिए पॉसिबल हो पाई है पहले ऐसा नहीं होता था कि पहले हमारा जो मूल धर्म होता था वो बिक्री पर होता था हमें कोई मतलब नहीं होता था कि हमारे कस्टमर क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते बट जब से आधुनिकरण आया है विपणन में तब से लोगों का जो ध्यान है वो किस तरफ केंद्रित हुआ है मेरे उपभोक्ता क्या चाहते हैं तो जब उपभोक्ता चाहते हैं तो उन्होंने छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाए छोटे छोटे खंडन बनाए हैं और जब छोटे ग्रुप के लोग होंगे एक फ्रेगमेंट बना हुआ है एक सेगमेंट बना हुआ है डायरेक्ट मार्केटिंग काफ़ी महंगा है को अगर हम इसे महंगा समझ के ना करें या फिर हम इसे दरकिरारे कर दें तो ये हमारी गलत सोच होगी हमारा ये गलत निर्णय होगा डायरेक्ट मार्केटिंग से बहुत सारे मुनाफे भी हैं बहुत सारे फ़ायदे भी हैं शुरुआत में भले ही आपको ये महंगा लगता है बट इसके जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आते हैं वो बड़े पॉजिटिव और प्रॉफ़िटेबल होते हैं और संस्था के लिए तो हमें ये जानना होगा कि भले ही आज की डेट में हमें इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है एक्स्ट्री एक्स्ट्रा हमारी लागत लग रही है मगर आने वाले समय में ये हमारे लिए मुनाफे का हम सौदा बनेगा या फिर ये हमारे हमारे लिए उपभोक्ताओं की संतुष्टि को पैदा करके हमारे लिए काफ़ी बड़ा लाभकारी एक सिस्टम बन जाएगा तो हमें उसका जरूर ध्यान देना चाहिए कि डायरेक्ट मार्केटिंग को हमें दरकिनारी या इग्नोर नहीं करना चाहिए स्मिथ ने डायरेक्ट मार्केटिंग की गतिविधियों की वृद्धि बढ़ाने के बढ़ने के पीछे कारणों को पता लगाया और उन्होंने कहा इसके प्रमुख तीन कारण हैं जैसे कि मार्केट फ्रेगमेंटेशन पहले डायरेक्ट मार्केटिंग इतना नहीं हुआ करता था क्यों नहीं हुआ करता था क्योंकि हम पारंपरिक विपणन अनुसंधान की अवधारणा के साथ काम कर रहे थे हमारा पूरा का पूरा ध्यान एक तरफ केंद्रित था किस पर वो बिक्री पर हम बिल्कुल भी नहीं सोचते थे कि हमारी उपभोक्ता की संतुष्टि किस में है हमारा सिर्फ और सिर्फ ध्यान लाभ कमाने में होता था जिसके कारण डायरेक्ट मार्केटिंग जैसे कॉन्सेप्ट पहले नहीं आए थे या फिर पहले इनको इन पर कोई ध्यान नहीं देता था आज के डेट में लोग डायरेक्ट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं इसकी अवधारणा पर लोग चर्चा करते हैं और इसका और विश्लेषण करते हैं उसको कैसे और सुचारू रूप से अच्छा बनाया जा सकता है जिससे हम और ज्यादा अधिक अपने उपभोक्ता के नज़दीक पहुँच सकें उपभोक्ता की संतुष्टि के लेवल को उसके स्तर को हम समझ सकें तो आज की डेट में ये समस्या ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग है वो इसीलिए पॉसिबल हो पाई है क्योंकि बाजार का विखंडन हो गया है बाजार एक छोटे छोटे भागों में बट गया है हमने सेगमेंट फाइंड आउट कर लिए हमने देख लिया है कि ये यूथ का सेगमेंट है ये यूथ 12 से 20 साल की उम्र का है ये बी इक्कीस साल से 25 साल की उम्र का है ये 25 से 30 साल की उम्र का है तो इस तरीके से हमने बाज़ार का खंडन विखंडन कर लिया है बाज़ार के विखंडन होने से हमारे लिए अब आसान हो गया है अपने उपभोक्ता को पकड़ने में यानी उपभोक्ताओं के साथ डायरेक्ट वार्तालाप करने में उसके साथ इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन करने अब हमारे लिए आसान हो गया है जब पूरा का पूरा बाज़ार हमारे सामने होता था तो हमें समझ में नहीं आता था हम किससे बात करें और क्या बात करें अब हमने जब छोटे छोटे ग्रुप बना लिए हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट बना लिए हैं अब आसान होता है उनके साथ बात करना उनकी प्रॉब्लम को समझना और उस हिसाब से अपने उत्पादन को प्रक्रिया को बदलाव लाना या फिर उसके हिसाब से उत्पादन को करना दूसरा कंप्यूटर के प्रौद्योगिकीकरण ने भी हमें बहुत मदद करी है पहले दूसरों को मेल भेजना अपने उपभोक्ताओं को मेल भेजना बहुत मेहनत का कार्य होता था उसके लिए भी एक व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा अगर हमें सारे अपने उपभोक्ताओं को मेल भेजना है ग्रीटिंग भी भेजनी है अगर हमें त्यौहार की कुछ ग्रीटिंग भेजनी है या न्यू ईयर की ग्रीटिंग भेजनी है क्रिसमस की ग्रीटिंग भेजनी है तो उसके लिए भी हमें किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा वो सारी पोस्ट डालेगा अब कंप्यूटर के प्रौद्योगिकरण से बहुत आसान हो गया अब एक क्लिक से ही आपका सारे काम हो जाते हैं आप सारे, आपको सिर्फ़ मेल आईडी डालनी है और सारा काम आसानी से हो जाता है तो डायरेक्ट मेल करना लोगों को आसान हो गया टेली मार्केटिंग करना लोगों के लिए बहुत आसान हो गया इसके साथ साथ जो आपका उपभोक्ता हैं उनका डेटा भी आप कंप्यूटर में मैनेज कर सकते हैं और समय समय पर उसमें से डेटा निकाल कर आप अपने उपभोक्ता को दोबारा याद दिला सकते हैं कि उनकी इस तरीके की कभी सोच हुआ करती थी जैसे कि हम कई बार देखते हैं अगर हमने अमेज़ोन से कोई सामान खरीदा है उसे खरीदे हुए तकरीबन एक साल हो गया तो वो मेरे याद दिलाता है ये आपने सामान खरीदा था क्या आप इसे दोबारा खरीदना चाहते हैं अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो पूछता है कि इसे हर हर दो महीने में क्या आप ख़रीदना चाहते हैं आप इसे पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए हम आपको हर दो महीने में आपके पास अपने आप इस सामान को पहुँचा देंगे तो आप, आपकी जो कंपनियाँ हैं वो डेटा मैनेज कर रही हैं आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेटा बेस्ड मार्केटिंग होती है वो वो भी तभी संभव हो पाया है क्योंकि कंप्यूटर का प्रौद्योगिककरण हुआ है you okay. तीसरा पोटेंशियल कंज्यूमर लिस्ट एक्सप्लोजन यानी कि हमें पता है कि हमारे संभावित उपभोक्ता की क्या सूची है कि कौन कौन ऐसे उपभोक्ता हैं जो कि हमारे उत्पाद को लेकर के अपनी इच्छा जता सकते हैं या फिर वो उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं आज भले ही ना हो बट हाँ अगर हम उनसे बातचीत करें अगर हम उन्हें बताएँ हम समझाएँ कि हमारा उद्योग किस चीज़ का है हम किस तरीके का उत्पादन करते हैं हमारे उत्पादन की प्रक्रिया में कितने समाज का मदद हो रहा है किस तरीके से हम, हम समाज कल्याण की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं किस तरीके से हम पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं इस तरीके अगर हम बातचीत करेंगे अपने उपभोक्ताओं से तो आज नहीं तो कल वो हमारी ओर आकर्षित ज़रूर होगा तो हमें पता लग गया है कि हमारी लिस्ट क्या है हमारे उपभोक्ता कितने ज़्यादा मात्रा में है पहले हमें ये पता ही नहीं होता था कि हमारे उपभोक्ता कितनी मात्रा में है क्योंकि हम कोई सेगमेंटेशन नहीं करते थे हम कोई छोटे छोटे, छोटे खंडों में अपने उपभोक्ताओं को बांटते नहीं थे इसीलिए हमें पता नहीं चलता था कि हमारे उपभोक्ता की कितनी लंबी लिस्ट है आज की डेट में हमारे लिए पता लगा पाना बड़ा आसान है कि कितने यूथ हैं कितने बुजुर्ग हैं कितने बच्चे हैं कितने नौजवान हैं कितने शादीशुदा हैं कितने नई गैर शादीशुदा हैं ये इस चीज़ का डेटा निकालना आज की डेट में बहुत आसान हो गया है और उसके हिसाब से हम अपने विज्ञापन को प्रचार प्रसार को भी प्रस्तारित कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं जैसे कि सभी विपणन संचारों के साथ होता है प्रत्यक्ष विपणन अभियान होना चाहिए दोनों अपने भीतर और अन्य संचार साधनों जैसे एकृत एकीकृत विज्ञापन प्रचार और व्यक्तिगत बिक्री असंगठित संचार से धुलधुली ब्रांड छवि कम प्रभाव और ग्राहक को भ्रमित भी कर सकती है यानी कि ये इस पे हमें बहुत ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करना होगा अगर हमने ज़रा भी अधूरा ज्ञान दिया या फिर जब हमारा उपभोक्ता हमसे जानना चाहता है हम चुप रह गए हम उसे पूरी खबर या पूरी पूरी जानकारी ना दे पाए तो कहीं ना कहीं ये आपकी ब्रांड की इमेज को ख़राब करता है तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है जब आप डायरेक्ट अपने कंज्यूमर से बात कर रहे हैं अपने उपभोक्ता से बात कर रहे हैं तो आपको बहुत सतर्क होना होगा आपके पास सारे तर्क वितर्क होने चाहिए आपके पास सारी फैक्ट शीट्स होनी चाहिए उसकी ही के बल पर आपको अपने उपभोक्ता को उपभोक्ता से बात करनी है और उसे मनाना है राजी करना है आपका उत्पाद खरीदने के लिए और अगर इसी में कोई कमी रह जाएगी तो आपका जो उपभोक्ता है वो भ्रमित भी हो सकता है और वो हो सकता है कि आपके बारे में फिर दोबारा कभी सोचे ही नहीं आपके प्रोडक्ट के बारे में आपकी कंपनी के बारे में और वो वहाँ से हट के दूसरे ब्रांड की ओर आकर्षित हो जाए अब बात करते हैं डेटाबेस मार्केटिंग की अभी हमने समझने की कोशिश करी डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है अब हम समझते हैं डेटाबेस मार्केटिंग क्या है डेटाबेस मार्केटिंग असल में सारा का सारा डेटा को मैनेज करने की मार्केटिंग है यानी कि आप किस तरीके से अपने उपभोक्ताओं का डेटा को मैनेज करते हो उसको समय समय पर किस तरीके से उपयोग में लाते हो वो आता है डेटाबेस मार्केटिंग में अधिकांश प्रत्यक्ष विपणन गतिविधियों के लिए ग्राहक के बारे में सटीक जानकारी की आवश्यकता होती है हमें अपने ग्राहक के बारे में एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए सटीक जानकारी होनी चाहिए कि हमारा उपभोक्ता क्या चाहता है ताकि उन्हें सीधे मेल टेली मार्केटिंग अभियान के माध्यम से लक्ष्य किया जा सके जैसे मान लीजिए अगर आप कभी गूगल पर प्रॉपर्टी के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक बार आपने सर्च किया होगा आपके पास थोड़ी देर में कॉल आनी शुरू हो जाती हैं अलग अलग प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ में अगर आप मान लीजिए पुणे की प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो पुणे की प्रॉपर्टी से रिलेटेड 99 नाइन एकर्स से आपके पास कॉल आ जाएगी मैजिक ब्रिक से आपके पास कॉल आ जाएगी अलग अलग जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या फिर जो वेबसाइट्स हैं उनकी तरफ से आपके पास कॉल आनी शुरू हो जाएंगी क्यों क्योंकि उसे आपके बारे में लगा कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं बिना बात के तो कोई प्रॉपर्टी को सर्च नहीं कर रहा होगा कोई ना कोई मन में ख्याल होगा कारण होगा जिसकी वजह से कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहा होगा तो जैसे ही आपने सर्च करी उनके पास ये डेटा पहुंच गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास में आ गई और उन्होंने उसको फिर टेली मार्केटिंग के थ्रू आपको कैच करने की कोशिश करी जानने की कोशिश करी कि उपभोक्ता असल में क्या चाहता है ये आउटबाउंड कॉल हुआ किसके द्वारा टेली मार्केटिंग के थ्रू यह जानकारी एक मार्केटिंग डेटाबेस पर संग्रहित होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कैबिनेट शामिल होता है जिसमें आपका नाम लिखा होता है पता लिखा होता है लेन देन व्यवहार की सूची भी उसमें युक्त होती है मान लीजिए कभी आपने किसी ऑनलाइन प्रॉपर्टी uh, के थ्रू अगर कभी ज़मीन खरीदी हो या फ्लैट खरीदा हो तो आपका जो पूरा डेटा है वहाँ पर दर्ज हो जाता है अब कभी फ्यूचर में तकरीबन दस साल के बाद फिर दोबारा से वो आपके अंदर इच्छा को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि आपका लोन पूरा हो गया होगा क्या आप नया फ्लैट लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपका लोन पूरा होने को है आप कुछ और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं इस तरीके की की वो बात आपसे कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था एमेजॉन में अगर आप कोई सामान खरीदा है आपने एक साल पहले तो उनके पास सूची पहुंच गई कि इस पते पर इस व्यक्ति ने यह सामान खरीदा था तो कुछ समय के बाद वो आपको दोबारा से जताएंगे कि क्या आप ये सामान खरीदना चाहते हैं यह भविष्य के अभियान की अनुमति देता है उन लोगों को लक्षित किया जाता है जिनके जवाब देने की सबसे अधिक संभावना होती है यानी कि आप आपके जो सर्च मैकेनिज़्म है जिस तरीके से आप गूगल में सर्च करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स में आप जाते हैं या फिर जो आप अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पर वो एक सूची बन जाती है इंटरेस्टेड उपभोक्ताओं की वो वो सारे उपभोक्ता हैं जो कहीं ना कहीं मन में कुछ उस उस उत्पाद से रिलेटेड इच्छा रखते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो ये संभावित जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको अगर हमने ट्रेस कर लिया उनको हमने पकड़ लिया उनसे बातचीत हमने कर ली उनको अगर हमने मना लिया तो हो सकता है वो हमारा सामान खरीदने के लिए तैयार हो जाए ग्राहक के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भी मार्केटिंग डेटाबेस का उपयोग किया जाता है क्योंकि जब आप अपने बारे में डिटेल डालते हैं तो उसमें आप अपने अपने नाम के साथ साथ अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं डेट ऑफ मैरिज लिखते हैं आप अपने बच्चों के बारे में डिटेल्स डालते हैं तो आने वाले समय में जब आपका जन्मदिन आएगा जैसे फेसबुक होता है फेसबुक पर बहुत हद तक आपकी सारी डिटेल्स सा आ जाती है आपके जन्मदिन पर आपको फेसबुक विश करता है एनिवर्सरी पर फेसबुक विश करता है आपके बच्चे के बर्थडे पर आपको विश करता है और लोगों आपकी जितनी भी फ्रेंडलेस में लोग हैं उनसे भी कहता है कि हेल्प टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ ये सब तरीके क्या है इससे आप अपने रिश्तों को मजबूत करते हो किसके साथ में अपने उपभोक्ता के साथ में अपने यूजर के साथ में और हमारा उपभोक्ता अगर खुश रहेगा वो संतुष्ट रहेगा तो हमारा सामान वो खुद अकेले ना खरीद के दस लोगों से भी खरीदवाएगा ये उद्देश्य रहता है हर कंपनी का डेटाबेस का उपयोग बाजार खंडों की प्रभा को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जैसे छूट अगर जो भी कोई हम छूट दे रहे हैं छूट संचालित की गई है कीमत में कोई संवेदनशीलता आई गई है ज़रा भी कीमत को आपने गिराया है या फिर आप उनके देख रहे हैं कि आप वो खाने के बहुत शौकीन है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को वो बार बार खरीदते हैं भारी श्रेणी के उपयोग करता है बहुत महंगे महंगे सामान वो खरीदते हैं या फिर वो किसी ब्रांड को लेकर के बहुत पर्टिकुलर है सिर्फ उसी ब्रांड के वो सामान खरीदते हैं जिस तरीके की आपका व्यवहार है ऑनलाइन ना उस ऑनलाइन कंज्यूमर का जो व्यवहार है उसके बेसिस पर कंपनियां बहुत डेटा इकट्ठा कर लेती हैं एक इंडिविजुअल उपभोक्ता के बारे में और वो सारे डेटा को वो एनालाइज करते हैं आज की डेट में उसे बोला जाता है डेटा एनालिटिक्स बिजनेस एनालिटिक्स मार्केटिंग एनालिटिक्स इनके द्वारा वो उसका विश्लेषण करते हैं और बहुत डीप जाते हैं इतना तो आपने भी उपभोक्ता होकर नहीं सोचा होता है जितना कंपनी आपके बारे में सोच लेती हैं वो प्रिडिक्शन कर लेती हैं अगर आपने आज ये ब्रांड का सामान खरीदा है तो कल को इसका इंटरेस्ट किस इस और ब्रांड की तरफ होगा ये सारा विश्लेषण कंपनियाँ आजकल कर लेती हैं और उस हिसाब से फिर वो चीज़ें आपको दिखाने लगती हैं कई दफ़ा अगर आपने कोई सामान ऑनलाइन अपने लिए ख़रीदा है तो वो कहता है कि ये साइज़ आपको फ़िट होगा आपके पुराने रिक्वायरमेंट के बेसिस पर या आपने जो पिछली बार सामान खरीदा था उसके हिसाब से आपने रिटर्न दिया था उसके बाद आपने एक्सचेंज कराया था तो उसके हिसाब से ये चीज़ आपको ज़्यादा सही लगेगी ये आप पर ज़्यादा सूट करेगी इस तरीके का जो रिस्पॉन्स आपको ऑनलाइन मिलता है ये सिर्फ और सिर्फ डेटा बेस मार्केटिंग की वजह से आपको मिल पा रहा है और ये कंप्यूटर का प्रौद्योगिकरण होने की वजह से संभव हुआ है डेटाबेस पे संग्रहित विशिष्ट जानकारी में निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं जिन्हें हम समझते हैं वास्तविक और संभावित ग्राहकों को समझ पाना यानी कि कोई तो ऐसे ग्राहक होंगे जो आपके बहुत समय से यूज़र हैं जो आप भी का सामान खरीदते हैं और कुछ ऐसे पोटेंशियल ग्राहक होंगे जिसने कभी एक बार सर्च किया और उसके बाद दोबारा नज़र नहीं आया तो वो संभावित ग्राहक है उसे हमें टेली मार्केटिंग के थ्रू पकड़ना होगा डायरेक्ट मेल करने होंगे ताकि उसे हम कन्विंस करके अपने उत्पाद की तरफ इंटरेस्टेड कर पाएँ तो कुछ हमारे वास्तविक हैं उनके साथ हमें हेल्दी रिलेशंस बना के रखने होंगे उनसे बातचीत करते रहने होंगे उनसे जानते रहना होगा कि वो संतुष्ट हैं कि नहीं है अगर उन्हें कोई समस्या है तो उस समस्या को हमें दूर करना होगा दूसरे जो हमारे संभावित ग्राहक हैं उन्हें धीरे 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 हमें अपने उत्पाद की तरफ आकर्षित करना होगा लेन देन की जानकारी हमें पता लग जाता है कि किस तरीके का लेन देन चल रहा है किस तरीके से कब उन्होंने पेमेंट करी वो किस तरीके का पेमेंट मोड अपनाते हैं क्या हमेशा वो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं या पे ऑन डिलीवरी करते हैं या फिर वो हमेशा क्रेडिट कार्ड पर ख़रीदारी करते हैं इस तरीके के जो उनकी लेन देन का तरीका है उससे भी आपको अंदाज़ा लग जाता है कि उनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है या फिर आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि उनके पास कौन कौन से पेमेंट के ऑप्शनस हैं उसके हिसाब से आप उनको फिर से मार्केट में केटर कर सकते हैं अगर आपको दिखता है कि आपका जो खरीदार है वो बहुत आसानी से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है बड़े आसानी से हज़ारों के लाखों की वो डील ऑनलाइन कर लेता है तो आपको समझ में आ जाता है कि ये जो कस्टमर है इसे ऑनलाइन फियर नहीं है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का कोई डर नहीं है तो आप उस आसानी से उसे उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट और भी दिखा सकते हैं अगर आपको पता चलता है कि आपका ग्राहक क्रेडिट पे सामान लेने पर भी बिल्कुल कभी नहीं घबराता है और हर समय टाइम से ईएमआई पे करके वो कर सामान को ख़रीद लेता है तो आप उससे 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 संबंधित सारे सामान उसको दिखा सकते हैं तो लेन देन की जानकारी से आप उसके वह पेइंग कैपेसिटी को समझ पाते हैं उसकी परचेजिंग पावर को समझ पाते हैं उसकी आर्थिक स्थिति को समझ पाते हैं प्रचार संबंधित जानकारी यानी कि जितनी भी प्रमोशन से रिलेटेड जानकारियां हैं वो बाज़ार में कैसा असर डाल रही हैं इसका भी हमें पता लग सकता है यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ उपभोक्ता के बारे में नहीं पता चलता है डेटाबेस मार्केटिंग से इसमें आपको अपने बारे में भी पता चलता है कि जिस तरीके का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो सही दिशा में बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा है उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं उसकी उसकी प्रचार करने की वजह से क्या मेरे पास कॉल ज़्यादा आने लगी हैं क्या उपभोक्ताओं ने मुझे गूगल पर ज़्यादा सर्च करना शुरू कर दिया है क्या मेरे लिए क्वेरीज डेवलप हो रही हैं क्या मेरे पास मेल्स आ रही हैं अगर इस तरीके का कुछ हो रहा है कुछ भी प्रचार करने के बाद इसका मतलब है कि आपका प्रचार सही दिशा में बढ़ रहा है अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आपको यह जानना होगा कि आपके प्रचार में क्या कमी है जिसकी वजह से मार्केट में कोई भी उथल पुथल नहीं हो रही आपके प्रचार करने के बावजूद भी उसके बाद आता है उत्पाद इन्फॉर्मेशन यानी कि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको जानना होगा कि आपका जो उत्पादन है जो उत्पाद है उसकी जानकारी सही तरीके से आपके उपभोक्ता तक पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही कहीं ऐसा तो नहीं है आपके आपके उत्पाद को लेकर बहुत सारी मिथ्या हो बाज़ार में लोगों को ये लगता हो कि आपका प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या फिर लोगों को ये लगता हो कि ये प्रोडक्ट बहुत आउटडेटेड है इंडिया का बना है या फिर ये चाइना का बना है ये चाइना से सामान खरीदते हैं इस तरह की कोई मिथ्या तो नहीं फैली हुई है आपके प्रोडक्ट को बात को लेकर के अगर इस तरीके की कोई मिथ्या फैली हुई है तो आपको उसे अपनी प्रोमोशनल कैंपेन के द्वारा दोबारा से ठीक करना होगा आखिरी में आता है जियो डेमोग्राफिक जानकारी जियो डेमोग्राफिक जानकारी यह बताती है कि आपका जो कस्टमर है उसकी क्या इनकम है उसकी एज क्या है उसका जेंडर क्या है उसके घर का फैमिली साइज क्या है वो न्यूक्लियर uh, फैमिली में रहता है कि ज्वाइंट फैमिली में रहता है हमें ये जानने की क्यों ज़रूरत है ये जानने से हमें पता चलता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी खरीदारी की कितनी जल्दी जल्दी वो सामान खरीदेगा मान लीजिए आप खाद्य पदार्थ की कंपनी है आपकी तो आप अगर वो व्यक्ति न्यूक्लियर फैमिली में रहता है तो क्या होगा अगर वो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है तो हो सकता है उसकी रिपीट परचेज फास्ट ना हो अगर उसकी रिपीट परचेज फास्ट नहीं होगी तो क्या होगा हमें देखना होगा कि हमें उसे किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित करना होगा अगर वो बड़े साइज़ की फ़ैमिली में रहता है यानी कि ज्वाइंट फैमिली में रहता है जहाँ के परिवार के और भी बहुत लोग हैं तो आपको ये लगेगा कि हम फ्रिक्वेंसी ऑफ बाय यानी ये जल्दी जल्दी खरीदेगा क्योंकि ये सामान जल्दी उस घर में ख़त्म हो जाएगा इसके अलावा अग अगर आप खाद्य पदार्थ की कंपनी के अलावा जैसे कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल हैं जैसे कि अगर हम बात करें वाईफाई की जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो एक वाईफाई से काम चल जाता है एक परिवार में एक परिवार में चार भाई हैं एक फैमिली में रह रहे हैं उसके बाद वो चार भाई अगर चार परिवारों में रहते हैं चार अलग अलग परिवार हो जाते हैं तो चार वाईफाई की जरूरत पड़ेगी यानी कि बहुत सारी कंपनियां हमारी देश की कहीं ना कहीं ये भी चाहती हैं कि लोग विभाजित तरीके से रहें ताकि मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा बिके तो जियो डेमोग्राफिक जानकारी हमें बहुत हद तक ये बताती है कि लोग किस तरीके से रहते हैं किस तरीके का उनका किस तरीके की उनकी इच्छाएं हैं और इच्छाओं के साथ साथ हम ये देख पाते हैं कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या इनके पास पैसा भी है नहीं है ऐसा ना हो कि सिर्फ इच्छा ही हो मगर उनके हाथ में जेब में पैसा ना हो तो हम उस चीज की पूरी जानकारी लेते हैं कि नीड क्या है इनकी इनकी वांट क्या है, इनकी क्या है है डिमांड आगे बढ़ते हैं आगे हमारा डेटाबेस मार्केटिंग का महत्व इसके अनुप्रयोगों की परिलक्षित करता है जो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें आती हैं जैसे कि हमने बताया कि डायरेक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग में हम देखते हैं कि हम मेलिंग करते हैं ग्राहक को उसके उसको सारी की सारी जानकारियाँ उसमें हम डालते हैं जो कि उसके लिए ज़रूरी है वो सामान खरीदने के लिए दूसरा हम देखते हैं टेली मार्केटिंग ये टेली मार्केटिंग में हम एक ऐसा डेटा बेस मैनेज करते हैं टेलीफोन नंबर स्टोर करते हैं किसका अपने उपभोक्ता का सारी डिटेल हम रखते हैं कि ताकि हम जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम अपने ग्राहक को अपने उपभोक्ता को कॉल करके उसे दोबारा से संपर्क को अपने स्थापित कर सकें तीसरा ब्रांड वफादारी हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है डेटा मार्केटिंग के द्वारा कि हमारा जो उपभोक्ता है वो कितने ब्रांड को लेकर लॉयल है कितना वफ़ादारी दिखाता है और कितनी आसानी से वो दूसरे ब्रांड में स्विच हो जाता है दोनों जानकारियाँ हमारे पास आ जाती है अगर हमारा ब्रांड हमारा जो उपभोक्ता है वो बहुत वफादार है वो बहुत लॉयल्टी शो करता है तो हमें उसका समय समय पर रह कर क्या देना चाहिए उसको उपहार देना चाहिए उस बात का हमें उसको थैंक्स बोलना चाहिए उसे हमें ग्रीटिंग देनी चाहिए जिससे कि हमारा उपभोक्ता फिर से खुश होकर हमारे ब्रांड की तरफ़ जुड़ा रहे उसे ऐसा ना लगे कि मेरी वफ़ादारी करने से या मेरे लॉयल होने से फ़ायदा क्या है उसे आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स देने चाहिए उससे आपका जो उपभोक्ता है वो उससे आपसे और जुड़ेगा और दस लोगों को और कहेगा कि वो आपके सामान को खरीदे कैंपेन प्लानिंग अभियान की योजना हमें बनानी चाहिए अभी हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे इसे कि किस तरीके से हम कैंपेन की योजना बनाते हैं क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिन पर हमें फोकस करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम हमें बिल्कुल जानना होगा कि वितरण किस तरीके से किया जाए वितरण का प्रबंधन की प्रणाली क्या होनी चाहिए हमें जानना होगा क्यों जानना है क्योंकि हमने उपभोक्ता के अंदर मांग तो बहुत बढ़ा दी डायरेक्ट मार्केटिंग करके टेली मार्केटिंग करके खूब उसके अंदर इच्छा जागरूक कर दी मगर हमारी सामान की उपलब्ध यहाँ पर नहीं है तो भी ये बेकार हो जाएगा एक बार गंगा सोप गोदरेज कंपनी गंगा सोप बाजार में लेकर आई उसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया गोविंदा को और गोविंदा गंगा रिवर के आसपास डांस करते हुए लोगों को ये समझा रहे थे कि अब आपको अपने पाप धोने के लिए गंगा नदी में आने की जरूरत नहीं है रोज गंगा साबुन से नहाइए जो कि गंगा के पानी से बना है और अपने पाप को धोइए हमारे देश में गंगा के पानी को बहुत सम्मान दिया जाता है उसे उसे वर्शिप किया जाता है तो हमारे देश के लोगों के अंदर बहुत मांग बढ़ गई कि अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया साबुन है इसे हम नहाएंगे मगर हमारे देश के लोग भी दो भागों में बट गए गंगा बहुत पवित्र मानी जाती है और लोगों ने कहा कि गंगा जैसी पवित्र नदी का पानी हम इस तरीके से अपने बाथरूम में थोड़ी ना बहाएंगे तो लोगों के मानसिकता में भी बहुत अंतर था लोगों की सोच में भी अंतर था मगर अमूमन लोग बड़े खुश हुए कि गंगा रिवर का पानी इसमें यूज़ हो रहा है ये तो बहुत बढ़िया साबुन है और लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए खरीदने के लिए पहुंच गए मगर उस कंपनी का वितरण प्रणाली जो थी वो सुचारू रूप से चालित नहीं थी जिसकी वजह से गंगा सोप बाजार में ना होने के कारण लोगों के अंदर मांग तो बढ़ी खूब उस एडवर्टीजमेंट को देकर उस प्रचार प्रसार को देकर लोगों के अंदर इच्छा तो बढ़ी मगर वो जब सामान वहाँ पर नहीं था उपलब्ध ही नहीं था विक्रेता के पास में तो लोग लोग उसका इंतज़ार थोड़ी ना करेंगे अगर आज साबुन नहीं है तो उसका इंतज़ार नहीं करेंगे कि अगले महीने तक आएगा या दस दिन तक आएगा इंतजार नहीं करेंगे वो जो ब्रांड यूज़ कर रहे थे उसी का उपयोग कर रहे थे उसी साबुन को उन्होंने खरीद लिया और धीरे 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 लोगों के दिमाग से उस इमेज जो उसने गोदरेज कंपनी ने गंगा सोप को लेकर के क्रिएट करी थी वो धीरे धीरे क्या हो गई ख़त्म हो गई तो हमें ये समझना चाहिए गोदरेज जैसी बड़ी कंपनी से भी गलती हो सकती है तो हम भी वो गलती ना दोहराएं हमें अपने अपने आने अपनी अपने सामने वाली बड़ी कंपनियों से सीखना चाहिए कि उनसे अगर ये गलती हुई है तो हम उस गलती को ना दोहराएं और किस तरीके से हम अपनी वितरण प्रबंधन की प्रणाली को सेट करें ताकि उसमें कोई परेशानी ना आए और सुचारू रूप से हमारा जो अंतिम प्रोडक्ट है उत्पाद है हमारे उपभोक्ताओं तक पहुँचता रहे इसके बाद आते हैं मार्केट इवेल्युशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बहुत बहुत अहम भूमिका निभाता है क्योंकि हर कदम पर आपको ये देखना होगा क्या हम सही चल रहे हैं कहीं कुछ गलती तो नहीं कहीं हम आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं होगा अगर आप अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे आप अपने आप को चेक नहीं करेंगे री चेक नहीं करेंगे रिक्वेश्चन नहीं, नहीं करेंगे तो बहुत हद तक ये ज़रूर ये ये पॉसिबिलिटी है कि आपसे गलती हो सकती है क्योंकि मार्केट क्या है बहुत डायनेमिक है बहुत अनसर्टनिटी है इस बाज़ार में और आपने इस अनसर्टनिटी और इस डायनेमिक नेचर को नज़रअंदाज करते हुए एक ढर्रे पर आपने चलने की कोशिश करी या एक ही लाठी से सारी चीज़ों को हाँकने की कोशिश करी तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि गलती हो सकती है इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मूल्यांकन करना चाहिए समय समय पर बार बार चेक करें री चेक करें रिक्वेश्चन करें देखें कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं तो ये थे कुछ डेटाबेस मार्केटिंग के महत्व आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी डेटा मार्केटिंग की कैंपेनिंग की जाती है कौन कौन से ऐसे अहम स्टेप हैं जो कि लेने चाहिए जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कैंपेन प्लानिंग को जिसको अब हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे विपणन की योजना में हमें सबसे पहले क्या करना होगा हमें लक्षित दर्शकों की पहचान करना होगा और उन्हें समझना होगा लक्षित दर्शक यानी कि जो हमारे दर्शक होने वाले जिन जो हमारे टारगेटेड कस्टमर हैं टारगेटेड उपभोक्ता हैं उनको हमें समझना होगा उन उनके हिसाब से हमें अपने कैंपेन को डिज़ाइन करना होगा अभियान की स्थापना की जाए अभियान की स्थापना का मतलब है कैंपेन की स्थापना की जाए अब जब हम वो अपने वो अभियान की स्थापना करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य दिमाग में रखा जाएगा तो पहला उद्देश्य हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है या फिर हमारा वित्तीय जो उद्देश्य है वो बिक्री की मात्रा को लेकर के हो सकता है हो सकता है कि पूरे के पूरे मूल्य को लेकर हो या वॉल्यूम को लेकर के वो हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा ध्यान लाभ पर केंद्रित हो।, हो सकता है कि हमारा ध्यान <स्त Blind> कितना जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका हमें क्या फल मिलेगा उसका प्रतिफल क्या आएगा निवेश का इस पर ध्यान केंद्रित हो सकता है यानी कि हमें अपने जितने भी हमारे संस्था के विभाग हैं हर एक विभाग का कुछ ना कुछ उद्देश्य है उस उद्देश्य को हमें बना कर के अपनी कैंपेनिंग की योजना को तैयार करना होगा पहले हमने समझने की करी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव वित्तीय उद्देश्य क्योंकि ये सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है इसके बिना आपकी कंपनी नहीं चल पाएगी आप चाहे कितनी बड़ी बातें कर लीजिए अगर बातों को सुचारू रूप से चालू करने के लिए कंपनी में पैसा नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें आपकी सब बेकार हो जाएंगी आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज़ की है पैसे की है पैसे के साथ साथ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मनी की है यानी कि पैसा कई बार कंपनी ले तो लेती है, उठा तो लेती है बाजार से मगर उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती तो आपको उन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है एक तो फ़ंड बाज़ार से उठाना है दूसरा फंड उठाने के साथ साथ उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी करना है और इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के बाद आप ये उम्मीद करेंगे कि बिक्री से ये पैसा मेरे पास वापस आए मेरे को लाभ हो मेरे जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है उसका मुझे बराबर रिटर्न मिलता रहे दूसरा आपका फोकस हो सकता है संचार के उद्देश्य पर संचार के उद्देश्य में के जो ध्यान है वो किस तरफ केंद्रित होगा जागरूकता फैलाने पर होगा लोगों के अंदर इच्छा पैदा करने के लिए होगा कि देख कर लोगों के मन में आए कि ये सामान खरीद के देखें जैसे कि हम देखते हैं खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव होती है उन्हें देखकर ऐसा लगता है एक बार खा के देखते हैं एक बार एक बार यूज़ करके देखते हैं तो कई बार लोग इस तरीके का स्ट्यूमलस क्रिएट करते हैं एक अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं या मन में इम्पल्स क्रिएट करते हैं कि ये सामान हम ख़रीद कर देखें उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी बनाते हैं सो so, परीक्षण की प्रोत्साहित करें उपभोक्ता के मन में ब्रांड को स्थित करें धीरे 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 आप अपने ब्रांड को उसके दिमाग में पोजीशन करते जाएं कि जब भी वो सोचे कोई सामान खरीदने के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में आपका आपके प्रोडक्ट का दिमाग में आए जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछले व्याख्यानों में कि अगर कोई लोग फ़ोन लेने की बात करते हैं तो आज की डेट में लोगों के दिमाग में सिर्फ एप्पल का नाम आता है एक ज़माना था पहले लोग फ़ोन की बात करते तो सिर्फ उनके दिमाग में एक ब्रांड आता था नोकिया है ना तो इस तरीके से आपको अपने उपभोक्ता के मन में ब्रांड को स्थित करना होगा याद दिलाएं और सुदृढ़ करना यानी कि बार बार ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया और काम ख़त्म हो जाएगा परिवार के लोग भी भूल जाते हैं ये तो आपके उपभोक्ता है तो आपके उपभोक्ता को तो आपको बार बार याद दिलाना होगा कि हम अभी भी हैं हम अभी भी ये सामान बेच रहे हैं हम अभी भी ये सामान बनाते हैं और हम दिन पर दिन अपनी गुणवत्ता को बढ़ाते जा रहे हैं इस तरीके की कैंपेनिंग आपको करनी होगी उसके साथ साथ आपका ध्यान जाता है किस पर विपणन उद्देश्यों पर विपणन के उद्देश्य क्या है जैसे कि ग्राहक संकलन है यानी कि ग्राहक को किस तरीके से अपने आप में ही बांध लें ग्राहक हमारे अलावा किसी और के बारे में सोच ही ना पाए हमने पिछले व्याख्यान में डिस्कस किया था हार्ट शेयर के बारे में जिसमें आप आप पूरी तरीके से अपने उपभोक्ता के दिल पर हावी हो जाते हैं यानी उपभोक्ता चाह भी आपके अलावा कोई और ब्रांड के बारे में सोचता ही नहीं है एक ज़माना था जो नोकिया ने इस तरीके की इमेज अपनी क्रिएट कर ली थी सारे तर्क वितर्क सब बेकार हो जाते हैं लोग इमोशनली आपसे जुड़ जाते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप अपडेटेड हो या नहीं हो आप आउटडेटेड हो चाहे जैसे भी हो मगर लोग आप ही को ख़रीदना चाहते हैं तो वो क्या है ग्राहक संकलन इस तरीके से दिमाग में आप और दिल में अपने उपभोक्ता के हावी हो जाएँ सो तो कस्टमर का एक्यूजिशन करें बट एक्यूजिशन कुछ समय के बाद जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ रही है ना जनरेशन बढ़ती जा रही है जो जनरेशन नोकिया को पसंद करती थी अब वो बूढ़ी हो चुकी है है ना उसके हाथ में इतना डिसीजन नहीं है या फिर उसको अब इंटरेस्ट भी नहीं रहा है मगर जो छोटे बच्चे थे उस ज़माने में अब वो जवान हो चुके हैं अब वो सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है तो आप अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे आप उसी पीढ़ी के साथ फिर उस पीढ़ी के साथ साथ आप भी ढल जाएंगे तो वही हुआ नोकिया कंपनी के साथ जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती गई उसकी उम्र बढ़ती गई कंपनी के प्रोडक्ट की बढ़ती गई और वो ढले तो प्रोडक्ट भी ढल गया बाजार से तो हमें क्या करना है हमें पीढ़ी के साथ नहीं ए, लगे रहना है हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा मार्केट शेयर किसका है मार्केट शेयर इंडिया में अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा नौजवानों का है तो नौजवान जो हमारे चाहते हैं उनके हिसाब से हमें अपना प्रोडक्ट बनाना होगा तो आज की डेट में जो नौजवान है उन्हें हमें अपनी तरफ अट्रैक्टेड रखना है उन्हें अपनी तरफ केंद्रित करना है जैसे ही ये पीढ़ी आगे बढ़ जाएगी जो दूसरे नौजवान की नौजवान होंगे जो इस उम्र की श्रेणी में आएंगे उन लोगों को हमें फिर से उनके हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट को उत्पादन को तैयार करना होगा इसे कहते हैं कि आप अपने ग्राह हक को अपने पास रिटेन करके रख सको अगर आपने एक उम्र के लोगों को रिटेन करा है तो उस उम्र के जितने भी लोग होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचें लीड पूछताछ प्रणाली यानी कि अगर आ, कोई समस्या है कोई इंक्वायरी करना चाहता है तो उसकी आसानी से आपके सिस्टम में या फिर जैसे आप देखते होंगे पैकेजिंग में लिखा होता है कि कोई समस्या हो तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं कस्टमर केयर का के मेल आईडी दिया होता है तो उसी तरीके से आपके पास भी इस तरीके के ऑप्शन होने चाहिए जिससे उपभोक्ता समझ पाए कि अगर मुझे कोई समस्या है तो मैं किसको पकड़ूँ किससे बात करूँ किससे मैं अपनी प्रॉब्लम कहूँ आदेशों की संख्या नंबर ऑफ ऑर्डर्स को आपको इवेल्युएट करना होगा कि विज्ञापन करने के बाद मेरे ऑर्डर्स में कितनी बदलाव हुआ मैंने विज्ञापन किया उसके बाद मेरे ऑर्डर बढ़े कि घटे अगर मेरे ऑर्डर घट रहे हैं तो उसका मतलब मेरा विज्ञापन सही नहीं जा रहा है ये भी एक मूल्यांकन का तरीका है आप आखिरी में देख सकते हैं प्रतिक्रिया दर यानी प्रतिक्रिया देने वाले संपर्कों को अनुमा उनको अनुपात लगाएं उनको चेक करें कि जो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं जो रिस्पांस दे रहे हैं आपके विज्ञापन का उनकी कैसी प्रतिक्रिया आ रही है क्या वो पॉजिटिव है या निगेटिव है अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है आपका विज्ञापन सही दिशा में बढ़ रहा है आपकी कैंपेनिंग सही दिशा में जा रही है और अगर निगेटिव आ रही है तो उसका मतलब हमें दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि कैसे अपने विज्ञापन की प्रणाली को हम बदलें आगे आता है जो हमने देखा था इस स्ट्रक्चर में सबसे पहला हमारा क्या था लक्षित दर्शकों को पहचान करना और उन्हें समझना उसके बाद हमने समझा अभियान की कैसे स्थापना की जाए यानी कैंपेन की कैसे योजना बनाई जाए उसके बाद हमारा आता है रचनात्मक निर्णय यानी कि क्रिएटिव डिज़ाइन इसे समझते हैं क्रिएटिव डिज़ाइन में हम क्या क्या कर सकते हैं संचार के उद्देश्य जो हमारे हैं कम्युनिकेट करने के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन उनमें हम नई नई गतिविधियां ला सकते हैं हम बात करने के तरीके को बदल सकते हैं जैसे कि हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं लोग डायरेक्ट मार्केटिंग की तरफ उतर आए हैं लोग डायरेक्ट मार्केटिंग के साथ साथ टेली मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये सारे तरीके क्या है ये क्रिएटिव आइडियाज़ हैं कि कैसे मैं और अपने उपभोक्ता के नज़दीक पहुँचूँ लक्ष्य बाज़ार विश्लेषण यानी कि आप अपने मार्केट का किस तरीके से एनालिसिस करें क्विक एनालिसिस करें क्विक रिजल्ट आ जाए तो आज की डेट में जैसे मार्केट एनालिटिक्स है ये एक नया क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है जिसके बल पर लोग जल्दी से एनालिसिस कर पा रहे हैं पूरी की पूरी एक शीट में वो सालों की डेटा को देख पा रहे हैं तो ये सब क्या है लक्ष्य बाज़ार का विश्लेषण करने के नई तकनीकें आ गई हैं नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं है। लोग उनका प्रयोग करके अच्छे से बाज़ार के बारे में और गहरी जानकारियाँ ले पा रहे हैं जो कि लोग पहले नहीं ले पा रहे थे तीसरा क्रिएटिव डिज़ाइन में आता है हमारा ब्रांड का लाभ और उसकी कमजोरियां अगर हमारे ब्रांड में क्या क्या लाभ है इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो बताने के दकियानूसी तरीके नहीं होने चाहिए हमें अपने ब्रांड के लाभ को बहुत अलग तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए जैसे आजकल की कॉस्मेटिक कंपनी है या फिर हेयर रीग्रोथ की कंपनीज़ हैं कॉम्प्लेक्शन चेंज करने की कंपनी है या फिर वेट वजन कम करने की कंपनियाँ हैं या बढ़ाने वाली कंपनियाँ हैं ये अपनी बातों को बड़े अलग तरीके से सामने रखती हैं कंटेंट मार्केटिंग कर रही हैं उस उस कंटेंट मार्केटिंग का जो दिमाग पर और दिल पर उपभोक्ता के असर पड़ता है उसका उसका कोई तोड़ ही नहीं है पहले के कैंपेन के हिसाब से अगर हम पहले एडवर्टीज़मेंट जिस तरीके से आता था कि बाल बढ़ाने के लिए ये तेल है वज़न घटाने के लिए ये तो उसका इतना असर नहीं पड़ता था जितना कि कंटेंट मार्केटिंग का आज की डेट में लोगों पर असर पड़ता है तो हमें अपने ब्रांड के लाभ को बताने के हमारे ब्रांड में बहुत सारे लाभ हैं मगर उसे बताने के तरीके हमें अपने थोड़े से आधुनिक करने होंगे बदलने होंगे क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बदल रही है लोगों की सोच बदल रही है लोगों की समझने का तरीका बदल रहा है इसके साथ ही प्रस्ताव का विकास करें प्रस्ताव का विकास का अर्थ है कि किस तरीके से हम अपने उपभोक्ताओं को फ़ायदे दिलाएंगे हम उन्हें बताएं कि सिर्फ इससे इतना ही फ़ायदा नहीं इस पूरी पैकेजिंग में क्या क्या हम आपको देंगे उसे पूरा का पूरा पैकेज को सेल करेंगे हम आपको सिर्फ तेल नहीं बेच रहे हैं हम आपको तेल के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको कंसल्टेंसी दे रहे हैं हम आपकी काउंसलिंग करेंगे हम आपको आके चेक करेंगे हम आपको मेडिकल मेडिकल चेकअप आपका हम कराएँगे बिफोर और आफ्टर करेंगे तो इस इस तरीके के कुछ आप डेवलपमेंट नए नए ऑफर लेकर आइए अपने उपभोक्ता से जिससे कि उपभोक्ता आपसे जुड़ा रहे अगले छह महीने के लिए या फिर अगले बारह महीने के लिए तो आप अगर वो आज लेके चला गया और उसने एक दिन यूज़ किया दूसरे दिन नहीं किया तो तीसरे दिन वो आपकी बुराई करेगा कि कुछ अंतर नहीं आया तो आपको अपने अगर आपके ब्रांड में दम है आपके प्रोडक्ट में सच में दम है सच से सच में उससे फ़ायदे होते हैं तो उपभोक्ता को आपको अपने साथ बांधे रखना होगा अगले बारह महीने तक क्योंकि ये चीज़ें तुरंत असर नहीं दिखाती हैं कुछ समय लेंगी तो आपको उपभोक्ता को बांधे रखना होगा यानी कि प्रस्ताव का विकास करें डेवलपमेंट का जो भी आप ऑफर्स दे रहे हैं उनको आप थोड़ा सा डेवलप उनको विकसित करें ताकि उपभोक्ता आपसे जुड़ा रहे लंबे समय के लिए संदेश संचार यानी कि मैसेज किस तरीके से कम्युनिकेट हो ये भी हमें देखना होगा मैसेज जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी को नीचा ना दिखाएँ कई बार क्या होता है हम इस तरीके से अपने विज्ञापन दे रहे होते हैं कि दूसरी वर्ग के लोग या दूसरी श्रेणी के लोग अपने आप को बहुत हीन समझ लेते हैं जैसे कि अगर हम दिखा रहे हैं कि इस ये दवाई खाने से मोटापा कम होता है तो मोटे लोगों को शर्म आने लगती है तो आज की डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो मोटापे को भी कह रही हैं कि नहीं दिस इज़ द बॉडी दे शुड बी नो बॉडी शेमिंग बॉडी को करके किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए इस तरीके के विज्ञापन भी बाजार में अब आने लगे हैं ताकि दूसरे लोगों के दिमाग पर गलत असर ना पड़े तो कई बार हम अपने अपने मैसेज को कन्वे करने के चक्कर में गलती से दूसरे वर्ग के लोग या दूसरी श्रेणी के लोगों के बारे में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि उनके दिमाग पर गलत असर डालता है तो हमें अपने संदेश के संचार के तरीके को और हमें यह भी देखना होगा जब ये प्रचारित होगा तो इससे दूसरे लोगों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा और कार्य योजना बिना एक्शन प्लान के कोई भी काम नहीं हो सकता तो क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में जो हम कार्य की योजना है जो हमारे एक्शन प्लान बन रहे हैं वो भी बड़े ही सटीक और टू द पॉइंट होने चाहिए ऐसा ना हो कि आपने बड़ी बड़ी बातें तो कही हैं मगर उनका कहीं पर भी कोई एप्लीकेशन नहीं हो रहा आपको हर एक चीज को कार्यान्वित करना होगा हर एक चीज को आपको एप्लीकेशन में लेकर आना होगा तभी उसका रिजल्ट सामने आएगा अन्यथा वो रिजल्ट सामने नहीं आएगा क्रिएटिव डिज़ाइन के अंदर कार्य योजना का अर्थ यह है कि आप अपने काम करने के नए तरीकों को बनाएं ताकि लोगों के अंदर ऊर्जा बने नए नए काम करते हैं तो लोग ज्यादा ऊर्जा से भर जाते हैं वो पुराने काम सदियों से करते आ रहे हैं तो वो भी बोर हो जाते हैं तो बो, बोर्डम को खत्म करने के लिए आपको नए नए तरीके नए नए आयाम लेकर आने होंगे अपने कर्मचारियों के लिए भी और उपभोक्ताओं के लिए भी इसके बाद हम आते हैं हमारे मीडिया का निर्णय मीडिया के निर्णय के अंदर में क्या आता है इसे समझ लेते हैं मीडिया के निर्णय में या फिर मीडिया के डिसीजन में हम सबसे पहले किस पे सवाल उठाएंगे कि कौन है कौन है जिसके लिए हमें ये विज्ञापन करना है लक्ष्य बाजार में कौन आता है किसके लिए हमें विज्ञापन करना है ये हमें यहाँ पर जानना होगा उसके बाद क्या करना है क्या प्रतिक्रिया की किस प्रतिक्रिया की आवश्यकता है कौन कौन सी प्रतिक्रिया हमारे पास आएंगी किस तरीके के सवाल लोग हमसे पूछेंगे उनका जवाब भी आपके पास बैकअप में होना चाहिए उसके बाद क्यों उन्हें क्यों खरीदना चाहिए या फिर पूछताछ करनी चाहिए अगर आप कहते हैं कि ये सामान आप खरीदिए तो आपके पास ये जवाब होना चाहिए कि आप ये सामान क्यों बेच रहे हैं ये उत्पाद क्यों उत्पादन आपने क्यों किया इससे क्या फ़ायदा होगा ये सारे जवाब आपके पास अगर नहीं होंगे जो कि आप निर्माता हैं आपके पास अगर इन चीज़ों का जवाब नहीं है तो उपभोक्ता आपकी तरफ़ क्यों आकर्षित होगा तो आपको इस इन सवालों के आपके पास जवाब पहले से होने चाहिए आपके जो मीडिया है जिस चैनल के थ्रू आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसमें भी ये कहीं ना कहीं प्रलक्षित होना चाहिए कि आप ये सामान क्यों बनाया है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और लोगों को क्यों खरीदना चाहिए उसके बाद कहाँ पे उन्हें कहाँ पहुँचाना है और कहाँ कहाँ ये सामान हमारा उपलब्ध कराना है यानी कि वितरण कैसे होगा कौन कौन हमारे जो सेगमेंट है जो हमारा टारगेटेड या फिर लक्षित उपभोक्ता है वो कहाँ पर है वो कौन से एरिया में रहता है वो अर्बन मार्केट में रहता है या सेमी अर्बन मार्केट में रहता है या ग्रामीण बाजारों में रहता है हमें ये पता लगाना होगा कि हमारा जो लक्षित उपभोक्ता है वो है कहाँ पर उसके हिसाब से हम उसकी उपलब्धता को डिज़ाइन करेंगे उसके बाद आता है कब यानी कि उनसे मिलने का सबसे अच्छा समय कब होगा यानी कि आपने जब ये अपना मीडिया का पूरा डिज़ाइन किया है तब इसमें आप डायरेक्ट मार्केटिंग को भी जोड़ सकते हैं आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं टेलीकास्टिंग के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू या टेली मार्केटिंग के थ्रू फ़ोन के जरिए आप कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा समय अगर वो महंगा महंगा उत्पाद है ऐसा उत्पाद है जिसके लिए ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है तो आप कुछ एक समय निकालिए अपने क्लाइंट से मिलने का यानी उपभोक्ता से मिलने का से मिलकर के आप उसके साथ बात करके उसको डिसीजन के लिए कन्विंस करने की कोशिश करें तो ये हमारा हुआ मीडिया डिसीजन क्रिएटिव डिसीजन और और हमारा कैंपेन प्लानिंग इसके बाद हम आते हैं फाइनली कि किस तरीके से कैंपेन का एग्जीक्यूशन होगा और इवेलुएशन होगा यानी कि जब हम देखते हैं कि बिक्री की मात्रा और मूल्य पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा तभी हम इसका ढंग से निष्पात तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे क्योंकि अगर हमारे कैंपेन से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है सिर्फ पैसा ही जा रहा है कोई आउटकम नहीं आ रहा है तो कैंपेन किसी काम का नहीं है तो हमारा जो फोकस रहेगा वो इस पर भी रहेगा कि कितनी बिक्री हो रही है क्या इससे हमारे वॉल्यूम में अंतर आ रहा है सेल्स वॉल्यूम में अंतर आ रहा है इस पर भी हमारा बहुत ध्यान केंद्रित होगा उसके पल पर भी हम चेक कर पाएंगे कि हमारा कैंपेनिंग अच्छी थी या खराब थी दूसरा प्रतिक्रिया दर यानी कि लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आई लोग खुश हो रहे हैं इस कैंपेन से उनका जो रिस्पांस है वो बहुत पॉजिटिव आ रहा है लोगों ने पहले इसके बारे में बिल्कुल जागरूकता ही नहीं थी लोग किसी और ब्रांड को ख़रीदते थे जैसे ही आपने इसका कैंपेनिंग शुरू करी विज्ञापन करना शुरू किया लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगे तो इसका मतलब है आपकी जो कैंपेनिंग थी वो एक पॉजिटिव थी और बहुत बढ़िया थी पूछताछ की संख्या में कितनी बढ़त हुई लोगों के कितने कॉल आए टेली कॉलर्स के थ्रू यानी कि इनबाउंड जो टेली मार्केटिंग हो रही थी वहाँ पर कितनी कॉल आई कितने मेल आपके पास में आए हो सकता है विक्रेता के पास जाके लोगों ने कुछ सवाल करे हो तो विक्रेता से भी आपको पता करना होगा कि क्या उपभोक्ता आके उनसे डायरेक्टली पूछ रहा है हमारे उत्पाद के बारे में उससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी जो कैंपेनिंग है उसका क्या मूल्यांकन है मूल्य प्रति आदेश पूछताछ बिक्री यानी कि कॉस्ट पर ऑर्डर इंक्वायरी और सेल किस लेवल पर बढ़ती जा रही है जो हमारी कॉस्ट लगी है उस उत्पाद को तैयार करने में और उसके बाद जो इंक्वायरी हो रही है उनकी इंक्वायरी को सेटिस्फाई करने में और फिर फाइनली बिक्री होने में कितना समय लग रहा है इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग रहा है बहुत समय लग रहा है ये बहुत ज़्यादा खिंच रही है तो कहीं ना कहीं हमारे कैंपेनिंग में कमी रही है हमें ये देखना होगा तुरंत तुरंत रिजल्ट आए अगर हमने कैंपेनिंग बहुत एग्रेसिव करी है तो हमारा उपभोक्ता के मन में तुरंत इच्छा जागरूक होनी चाहिए उस सामान को खरीदने के लिए अगर ये डिले हो रहा है एक्सटेंड हो रहा है और 10 चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे कैंपेनिंग में कोई कमी रह गई है नए ग्राहकों की कितनी संख्या जुड़ी है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है अपने मूल्यांकन करने का कि हमारा कैंपेनिंग कितनी बढ़िया रही जितने नए ग्राहक हमसे जुड़ते जाएंगे वो ये हमें अंदेशा देंगे कि हमारा विज्ञापन कितना बढ़िया रहा पुराने ग्राहक तो हमारे थे ही थे क्योंकि वो ब्रांड लॉयल थे वो हमसे जुड़े ही हुए थे मगर और नए कितने हमारे ग्राहक हमसे जुड़ते जा रहे हैं वो भी एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है ये पता लगाने में कि हमारा अभियान कैसा रहा पुनः ख़रीदने ख़रीद करने वाले मौजूदा ग्राहकों की संख्या कितनी बढ़ी भी बहुत एक अच्छा अहम तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं कितनी रिपीट परचेज हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उपभोक्ता एक बार खरीद के दोबारा आपके उत्पाद की तरफ देख ही नहीं रहा है अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपका उपभोक्ता आपसे नाखुश है वो आपका सामान दोबारा नहीं ख़रीद रहा है अगर आपका उपभोक्ता आपका सामान बार बार खरीद रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ बाय बढ़ती जा रही है तो उसका मतलब क्या है कि आपका उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी है और साथ के साथ आपको ये भी पता चलता है कि आपकी कैंपेन कैंपेनिंग की जो आपने योजना बनाई थी वो भी बहुत बढ़िया रही फ़ाइनली पूछताछ की बिक्री एक पूछताछ से बिक्री तक का रूपांतरण दर यानी कि आप कोशिश ये कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका कंज्यूमर जो था जो आपका उपभोक्ता था वो किस तरीके से फाइनल ख़रीदारी तक पहुंचा उसने कैसे फाइनल डिसीजन लिया आपका सामान खरीदने का तो किस रेट पर आपका जो कस्टमर है उपभोक्ता है वो फाइनल कंज्यूमर में कन्वर्ट होता है वो रेट अगर आप उसका असेसमेंट कर लेते हैं उसका चेक कर लेते हैं तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि आपकी कैंपेनिंग पॉजिटिव रही या निगेटिव रही आइए अब हम समझते हैं कि हमने आज के शीर्षक में क्या क्या समझा एक बार इसका निष्कर्ष पे ध्यान देते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग गतिविधि ने डायरेक्ट लाइन फर्स्ट डायरेक्ट्रेट और डेल कंप्यूटर्स जैसी कंपनियों को पारंपरिक विक्रेता और विक्रेताओं की आवश्यकता के बिना सीधे ग्राहकों को बेचने की मदद की यानी कि हम ये देख सकते हैं बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां थीं अगर डायरेक्ट मेल की बात करें या फर्स्ट डायरेक्ट्रेट की बात करें या डेल कंप्यूटर की बात करें तो ये सारी कंपनियाँ डायरेक्ट मार्केटिंग के ही ज़रिए ही मार्केट में इतने व्यापक तरीके से फैलती चली गई इसका मतलब ये है कि अगर हम छोटे छोटे विखंडन को तैयार करें छोटे छोटे सेगमेंट को तैयार करें और अपने लक्षित उपभोक्ताओं को जान लें और उनके साथ उनकी सोच को समझते हुए अपने उत्पाद को तैयार करें तो हमारा मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करना या सक्सेसफुल होना कम्पेरेटिवली ज़्यादा आसान हो जाता है, है अगर अगर एज़ कम्पेयर टू द जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग और टेलीविजन के थ्रू हम जो अपना एडवर्टीजमेंट या प्रचार प्रसार करते हैं तो हमें ये जानना होगा कि डायरेक्ट मार्केटिंग कितनी हमारे लिए उपयोगी रही है उपलब्ध उपकरणों की सर्वोत्तम उपयोग करने वाली एकीकृत अभियानों का निर्माण करने के लिए प्रत्यक्ष विपणन गतिविधि को सावधानी पूर्वक नियोजित करने की आवश्यकता होगी क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हो आप डायरेक्ट अपने उपभोक्ता के साथ डील कर रहे हो उससे आप डायरेक्ट बातचीत कर रहे हो और अगर यहाँ पर आपसे कुछ गलती हो गई तो उपभोक्ता आपके बारे में बहुत गलत इमेज लेकर जा सकता है यानी कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि उपभोक्ता आपके बारे में कैसी इमेज कैरी कर कर जाता है जब मीटिंग ओवर होती है इसीलिए आपको पूरे फैक्ट्स के साथ में तर्क वितर्क के साथ में अपने उपभोक्ता के सामने बैठना होगा जैसा कि हमने अध्याय में आपको बताया कि अगर आपको उपभोक्ता आपसे प्रश्नावली करता है वो आपसे पूछता है कि ये कैसे है वो कैसे है ऐसा क्यों नहीं हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उपभोक्ता के मन में इच्छा जागरूक हो रही है और उसकी इच्छा को तुरंत आपको सेटिस्फाई करना होगा उसे सही सही उत्तर दे करके। और जितने आपके सही उत्तर होंगे जितने सटीक आप उसको जवाब देंगे उतनी जल्दी वो कन्विंस हो जाएगा और वो आपका उपभोक्ता बन जाएगा आशा करते हैं आपको आज का शीर्षक समझ में आया होगा आज के जो अहम टॉपिक थे आज के डिस्कशन के वो थे डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है डेटा बेस मार्केटिंग क्या है डायरेक्ट मार्केटिंग अभियान का प्रबंधन कैसे किया जाए आज हमने इन सब विषयों पर चर्चा की है आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा आज के और अधिक अध्ययन के लिए आप इन किताबों का भी चयन कर सकते हैं आज के लिए धन्यवाद Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of? Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.